सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सीक्रेट हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए और पाइए सेहत और खूबसूरती से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट हिंदी में। मैं आपकी दोस्त नैना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? गोरी और चमकदार स्किन का साथ साथ हर कोई अपने चेहरे को स्पॉटलेस रखना चाहता है। हर कोई हर वक्त बस यह सोचता है कि कैसे हमारी स्किन ग्लो करेगी और कैसे हमारी स्किन पर एक भी दाग ना हो। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ एक ऐसा अमेजिंग फेस पैक शेयर करूँगी। इस फेस पैक के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे चैनल की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1, 3-4 स्पून पोमीग्रेनेट जूस। दोस्तों, अनार में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और बहुत से प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारी स्किन से एजिंग स्पॉट्स, रिंकल्स, एक्ने स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को दूर करके हमारी स्किन को सॉफ्ट क्लियर बनाता है। नंबर 2, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी नेचुरल एस्ट्रो एजेंट होता है जो कि स्किन कॉम्प्लेक्स को इम्प्रूव करता है और स्किन को टाइट बनाने के साथ साथ स्किन से डस्ट और जो भी स्किन में गंदगी जमी हुई है यह स्किन को डीपली क्लीन करता है। नंबर 3, 1 चम्मच आलमंड पाउडर। दोस्तों, बादाम के पाउडर में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे स्किन से एक्ने स्कार्स, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स को दूर करने के साथ साथ स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाता है। नंबर 4, 1 चम्मच चावल का आटा। दोस्तों, चावल का आटा सबसे अच्छा नेचुरल स्क्रब होता है। यह स्किन को एक्सफोलिएट करता है। यह स्किन को लाइट और ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, चलिए इस फेस पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप एक क्लीन बाउल लीजिए और उसमें अनार का जूस डालिए और फिर आप उसमें मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा, बादाम का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें 5 से 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से मिल जाए। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को गर्म पानी से 5 मिनट तक के लिए स्टीम दीजिए और फिर आप इस फेस पैक को अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए और 20 मिनट तक के लिए लगा रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप अपने फेस को गुनगुने पानी से धो लीजिए। दोस्तों, इसके एक बार के रिजल्ट से ही आपको आपकी स्किन में बहुत ही साफ और क्लियर महसूस होगी। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ से आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, फेयर और यंगर लुकिंग और ग्लोइंग हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल प्लस द्वारा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, शायद उनको भी कोई बेनिफिट मिल जाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को भी देखें और साथ ही दिए गए लोगों पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।